हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाने वाला व्रत करवा चौथ मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस व्रत को यथासंभव विधि विधान और शुभ मुहूर्त पर किया जाए। जिन्हें यह व्रत रखना है वो महिलाएँ इस बार खासकर करवा चौथ व्रत की तिथि को लेकर पहले से ही सजग हो गई होंगी, लेकिन अभी भी आप इस बार करवा चौथ की तिथि को लेकर ऊहापोह की स्थिति में हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपकी समस्या को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि कोई भी पूजा यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वह अधिक फलदायी होता है, इसलिए ज़रूरी है कि सुहागिन महिलाएं अपने करवा चौथ का व्रत भी शुभ मुहूर्त और सही तिथि में ही करें। इस बार लोगों के पास करवा चौथ की दो तिथि को लेकर उलझने हैं। कोई कह रहा है कि 13 अक्टूबर को व्रत रखना उचित होगा, तो वही किसी की सलाह है कि 14 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखना अति फलकारी होगा। ऐसे में हमें मिली जानकारी के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत गुरुवार 13 अक्टूबर 2022 को रखना उचित होगा, क्योंकि हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 1:59 से 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक है। वहीं करवा चौथ चंद्र समय 13 अक्टूबर को 8:27 शाम को है। वहीं करवा चौथ की पूजा के लिए शाम 5:54 से 7:03 का समय शुभ रहेगा। पूरे भारत में सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाती हैं। खासकर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसका उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसके बाद से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और प्रदेश में भी इसका क्रेज काफी बढ़ा है। कुछ जगहों पर करवा चौथ को कड़क चतुर्थी भी कहा जाता है। करवा या कड़क का अर्थ हिंदी में एक बर्तन होता है, जबकि चौथ का अर्थ चौथा दिन होता है। फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा के चौथे दिन चंद्रमा को मिट्टी के बर्तन में जल चढ़ाया जाता है, करवा जिसे अर्घ भी कहा जाता है। पुराने विधि विधान के अनुसार पूजा के बाद इसे परिवार में उपयुक्त महिला या ब्राह्मण को दान के रूप में दिया जाता है। करवा चौथ व्रत पूजा का उद्देश्य देवी पार्वती से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना भी होता है। माता पार्वती की पूजा करने के लिए महिलाएं या तो दीवार पर देवी गौरा और चौथ माता का चित्र बनाती हैं या करवा चौथ पूजा कैलेंडर पर चौथ माता के चित्र का उपयोग करती हैं। क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को यह बात पता होगी कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कितनी तपस्या की थी, इसलिए अक्सर जब पूजा पति के लिए हो तो माँ गौरी और शंकर की पूजा अवश्य होती है। ऐसे में करवा चौथ के पूजा के दौरान आपको महिलाएं कहती हुई सुनाई देंगी, हे भगवान शिव की प्यारी पत्नी, कृपया अपनी महिला भक्तों को उनके पति और सुंदर पुत्रों के लिए लंबी उम्र दे। और सुहागिन महिलाएं देवी गौड़ा की पूजा करने के बाद लोग भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप करवा चौथ का व्रत कब रख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।